दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि अगर खतौनी में आपकी बहनों का नाम या आपके पिता की बहनों का नाम अंकित हो गया है और एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें आप उन बहनों का नाम कैसे हटवाएं ताकि भविष्य में कोई विवाद ना रहे। दोस्तों ये वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी या थोड़ी बहुत जमीन के लिए भाई बहनों में इतना बड़ा डिस्प्यूट तैयार हो जाए या उनके पुत्रों में इतना बड़ा डिस्प्यूट तैयार हो जाए कि वो कोई और बड़ा रूप ले ले। दोस्तों अधिकतर मामलों में क्या है कि उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि जैसे किसी पिता के नाम है, पिता की डेथ हो जाती है और पिता की डेथ होने के बाद उनकी पुत्र और पुत्रियों में वो जमीन उनके नाम चली जाती है, पत्नी के नाम चली जाती है अगर वो विधवा वो छोड़ गए हैं तो। दोस्तों जब पुत्रों का नाम आता है तब उसके साथ में अविवाहित पुत्रियों का नाम आ जाए तो ये तो एक्ट में है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जो विवाहित पुत्रियां हैं उनका भी नाम म्यूटेट करके खतौनी में अंकित करा दिया जाता है पाका 11 में। और इसमें बड़ा इंटरेस्ट भी हो जाता है लोगों का, अगल बगल के पास पड़ोस के जो भी बताने वाले हैं प्रधान वो चाहते हैं कि इसमें बहनों का भी नाम आ जाए। और चूंकि बहनें दूर होती हैं तो लोग उनको कुछ असम्यक असर डाल करके कुछ लालच दे करके उनके परिजनों से मिल करके उसका बहनामा करवा लेते हैं। वैसे मुझे लगता है कि कोई बहन नहीं चाहती है कि हम अपने भाई की संपत्ति में हिस्सा लें, ये हृदय से नहीं चाहती है। बाकी उनको जब जबरदस्ती प्रेस किया जाए वो उनके घर में जो उनका ससुराल है वहां पर कुछ इस तरीके से किया जाए कि हिस्सा लीजिए या हिस्सा दीजिए तो कोई प्रक्रिया आगे बढ़े, ऐसा एक अलग विषय है। या फिर बहुत एज हो जाती है, कुछ मनमुटाव हो जाते हैं भाई बहन के बीच में तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो दोस्तों आज इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, अगर बहनें विवाहित हैं तो उनका कोई अधिकार एग्रीकल्चरल लैंड पर नहीं होता है। उनका अधिकार केवल ऐसी प्रॉपर्टी पर हो सकता है जो कृषि भूमि नहीं है, आवासीय लैंड है, बैंक अकाउंट है, उनके शेयर हैं, डिबेंचर हैं, और भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और कोई भी प्रॉपर्टी है, सोना चांदी जो भी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो एग्रीकल्चरल लैंड छोड़ गया है तो उस पर उसकी विवाहित पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होता। ये इस समय जो राजस्व संहिता 2016 या इससे पहले UPJD था उसमें व्यवस्था की गई है। लेकिन दोस्तों अगर नाम चढ़ जाता है, नाम आ जाता है तो सबसे पहले तो आप इसको इस विधि से लें कि एक धारा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की 118, उस 118 धारा के अंतर्गत एक विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड का समर्पण कर सकता है, माने सरेंडर कर सकता है, जिसको हक त्याग कहते हैं। अपना जो हक है, अपना जो राइट है उसको त्याग कर दे, छोड़ दे। तो दोस्तों झगड़ा कम करने के लिए मेरा मानना है कोई सिस्टर आपकी घर आती है तो आप उससे इस विषय में बात करिए कि आपका नाम फला फला पिताजी की संपत्ति में है, अगर आप चाहें तो अपना हक त्याग कर सकती हैं तो केवल हमारा नाम बना रहेगा। अगर आप अपनी सिस्टर से पर्सनली इतनी बात करते हैं और संबंध अभी नए हैं, नए माने शादी हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10 साल 5 साल तक टाइम है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बहन नहीं है जो ये चाहे कि नहीं हम अपने भाई के साथ मुकदमेबाजी करेंगे और उस जमीन में हिस्सा लेंगे। और अगर वो उस जमीन में हिस्सा मांग रही है तो आपका भी राइट बनता, आपका भी कर्तव्य है कि आप उसकी ससुराल में जो उसकी ननदे हैं उनको प्रोत्साहित करिए कि वो भी उसकी जमीन में हिस्सा लें। तो दोस्तों आप धारा 118 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र जिसके नियम जो हैं वो क्या किस तरीके से एप्लीकेशन दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा और किस तरह से हक त्याग होगा, माने किस तरह से सरेंडर होगा आपके पक्ष में, उसका विवरण जो नियमावली है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की उसके नियम 110 में बताया गया है। 110 इसमें
बाकायदे पूरा विवरण एक्यूरेट लिखा हुआ है। विवरण क्या है उसको सुन लीजिएगा। सबसे पहले जमीन संक्रमणीय होनी चाहिए, ये लिखा जाएगा शपथ पत्र में। दूसरा, आप अपने एफिडेविट में लिखेंगे उस जमीन का खाता संख्या, गाटा संख्या, क्षेत्रफल, गांव, तहसील और जिला, कौन जिले में कौन गाटा कौन खाता कौन कौन सी ये जमीन है। तीसरा, आप उसका भू राजस्व लिखेंगे, माने उसका लगान वार्षिक कितना है, 2 रुपए है, 5 रुपए है, 10 रुपए है, जो भी एक अमाउंट हो वो खतौनी में दिया होता है उसको लिखेंगे। इसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि उसके कितने भाग का समर्पण किया जा रहा है। ये उन बहनों पर भी लागू है जो उस समय अविवाहित थीं जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, उनका नाम खतौनी में आ गया है, लेकिन उस जमीन को वो अपने भाई को ही देना चाहती हैं, किसी अदर पर्सन को नहीं। तो बैनामा करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसी विधि से अपना नाम हटवा सकती हैं। चौथा, आवेदक जो है, जो आवेदन कर रहा है, माने उसकी वो बहन उस व्यक्ति की, वो अकेली स्वामी हैं या सह स्वामी हैं, या उनके नाम कितना पार्ट है कितना अंश है, ये लिखेंगी। और एक विशेष बात यह है, एक आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा कि ये जो जोत है, वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो बाहर से मुक्त है, माने उस पर कोई बकाया नहीं है, कोई ऋण नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं बना है, या अन्य कोई बैंक से, जैसे ग्राम विकास बैंकें होती हैं, भूमि विकास बैंक है, इनसे कोई ऋण बकाया नहीं है, कोई लोन नहीं लिया गया है, और वो लैंड किसी को किराए पर या किसी को पट्टे पर नहीं दी गई है, ये भी आप लिखेंगे। और समर्पण का कारण लिखना होगा कि हम क्यों इसको समर्पण कर रहे हैं, माने क्यों हम इसको इन्हें दे रहे हैं। तो दोस्तों, इतना लिखते हुए एक एफिडेविट के साथ जब आप तहसीलदार के न्यायालय में इसको देंगे, तो तहसीलदार इसकी एक माइनर जांच कराते हैं, और उस जांच के बाद एक आदेश हो जाता है, और उस आदेश के बाद उससे नाम हट जाता है। आप सरकार के पक्ष में भी इसको समर्पण कर सकते हैं, माने सरेंडर आप गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं, या किसी पर्सन उसी में सह खातेदार को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को तहसीलदार के यहां जाकर, या ये सब कुछ लिखते हुए शपथ पत्र पर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उस तहसील के तहसीलदार को भेज सकते हैं, और ये तहसीलदार की ड्यूटी है कि वो नोटिस जारी करेगा, और नोटिस जारी करके उसमें जो गवाह होंगे उन गवाहों को सत्यापित करेगा, और उसका भू राजस्व निर्धारित कर देगा, और वो लैंड समर्पित हो जाएगी और उस व्यक्ति के नाम हो जाएगी जिसके पक्ष में समर्पण किया गया है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई मामला आप करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे आवश्यक लगा इसलिए मैंने आप लोगों के सामने विषय रखा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पर वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।